तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी किसी भी जियो नंबर का कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो, चाहे वो आपका नंबर हो या किसी और का नंबर हो, बस आप लोग नंबर डालो और कॉल हिस्ट्री निकाल सको, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जो प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आसानी से खुद का तो निकालोगे ही, साथ ही किसी का नंबर अगर आप लोग डाल करके कॉल हिस्ट्री निकालना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे इस वीडियो को वॉच करने के बाद। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, जो जो स्टेप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारा स्टेप आपको फॉलो करना है, आप लोग आसानी से किसी भी नंबर का कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे हमें कॉल हिस्ट्री निकालना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, इस पे टैप करके इसको भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। अब इतना कर लेने के बाद अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद अब आपको आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद अब यहाँ सर्च बार पे टैप करना है और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है माई जियो। माई जियो आप लोग जैसे ही सर्च करोगे, हो सकता है आपने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा होगा, अगर इंस्टॉल है तो आप लोग डायरेक्ट से इसको कर लेना ओपन, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे ही इंस्टॉल करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ बगल में स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको यहाँ मोबाइल का ऑप्शन आ जाता है, फाइबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, मोबाइल वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है या तो फिर आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे चेक यूज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो ऊपर आप लोग मोबाइल नंबर देख पाओगे और यहाँ देखोगे चेक यूज, तो चेक यूज वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ टैप करोगे देखोगे डाटा आप लोगों ने कहाँ यूज किया है वो शो कर देगा, बगल में आप लोग देखोगे कॉल हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो कर देगा, जिसको भी आपने कॉल किया सारा यहाँ आप लोग देख पाओगे। अब SMS वाला ऑप्शन है तो SMS भी आप लोग यहाँ से बात कर पाओगे, सॉरी यहाँ देख पाओगे किसी को अगर आपने भेजा है तो वो भी यहाँ से देख पाओगे। अब यहाँ देखोगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डू यू वॉन्ट टू व्यू डिटेल यूज स्टेटमेंट, तो इस पे आपको कर देना है टैप। अब जैसे ही टैप करोगे ई स्टेटमेंट हो जाएगा, डाउनलोड स्टेटमेंट और व्यू स्टेटमेंट। यहाँ से आप लोग 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन का ऑप्शन देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे 6 महीने तक आप लोग अपना स्टेटमेंट निकाल पाओगे। कस्टम डेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कोई भी डेट आप लोग सिलेक्ट करोगे और यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। अभी मैं यहाँ 30 डेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और डाउनलोड स्टेटमेंट वाला ऑप्शन पे हम लोग टैप करते हैं और यहाँ से डाउनलोड स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब जैसे ही आप लोग यहाँ से टैप करोगे यहाँ पे देख रहे हो हमारा हो चुका है डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद व्यू कर देना है किसी भी PDF जहां से आप लोग व्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे सारा स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो सारा स्टेटमेंट हमारा यहाँ डाउनलोड हो चुका है, जो भी आपने कॉल किया है जो भी यहाँ सारा शो हो जाएगा। तो ये तो हो गया अगर आपका खुद का नंबर था तो इस तरीके से आपने कर लिया, अगर मान लो किसी और का नंबर है तो वो कैसे कर पाओगे। तो अभी आप लोग यहाँ 5G लिखा हुआ आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देखोगे एक एरो आएगा, इसी पे आपको कर देना है टैप। अब जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे देख रहे हो स्विच अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इसी पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही आप लोग टैप करोगे यहाँ लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, लिंक न्यू अकाउंट, अब इस पे आप लोग टैप करोगे। टैप करने के बाद यहाँ मोबाइल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अब आपको यहाँ से मोबाइल नंबर डाल देना है, जिस भी मोबाइल नंबर का आप लोग निकालना चाहते हो, बस आपको एक बार यहाँ OTP लेना होगा। तो देखो यहाँ से मैंने नंबर डाल दिया, अब यहाँ से नंबर डालने के बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे कर देंगे टैप। अब जैसे ही टैप करेंगे एक बार यहाँ से OTP डाल दोगे, अब आप लोगों ने यहाँ पे OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद यहाँ देखोगे चेक यूज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस पे आपको टैप कर देना है। सेम प्रोसेस होने वाला है, जैसे आपने अपने नंबर का चेक किया था उसी तरीके से आप लोग दूसरे नंबर का भी यहाँ से चेक कर पाओगे। अब यहाँ पे देखोगे नीचे आपको फिर से डाउनलोड स्टेटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप लोग इस तरीके से करते हो किसी भी नंबर का आप लोग स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, मतलब कॉल हिस्ट्री जान सकते हो किसी भी जियो नंबर का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लोगों को किसी का भी कॉल हिस्ट्री निकालना है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।